हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली 1 से 2 साल तक के बच्चों में एक दिक्कत पाई जा रही है बहुत ज़्यादा इस टाइम, और इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रही हैं और पूछती हैं। हालांकि मैं सारे जो आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर देती हूँ, या संडे कमेंट के थ्रू मैं उसमें संडे कमेंट्स में आपका कमेंट्स ले लेती हूँ। बट क्योंकि बार बार ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना ही दूँ इस पर। तो जो टॉपिक है वो है कि बच्चों की जो नीज होती है उनसे कट कट की आवाज़ आना, या फिर जब आप अपने बच्चों को मसाज करते हो तो उसकी बोन से, बच्चों की बोन से आपको आवाज़ आती है, तो आप ये सोचने लग जाते हो कि अभी से बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, कि बच्चों में कैल्शियम की कमी हो गई, अभी से बच्चे की हड्डियों से कट कट की आवाज़ क्यों आ रही है। हालांकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक कर कर, ठीक है, और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, छोटे बच्चों की जो बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, इतनी हार्ड नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है, नवजात है, 1 या 2 महीने का बच्चा, अगर आप उसे रेगुलरली एक साइड से ही सुलाओगे, ठीक है, तो उसका सर चपटा हो जाएगा, पिचक जाएगा बिल्कुल। यानी आप अपने बच्चे को किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, उनकी जो हड्डियाँ इतनी सॉफ्ट होती हैं कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हड्डियाँ वहीं से दबने लगती हैं, या आपने कुछ बच्चे की दबा दी या कुछ भी आपने गलत तरीके से कर दिया तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चे के सर को मीन्स ऐसे तकिए के ऊपर रखा जाए जिससे कि बच्चे की जो हेड की शेप है वो गोल बनी रहे, चपटा ना हो, कहीं से दब ना जाए। सेम मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि बच्चों की हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं, थोड़े थोड़े से जो गैप होते हैं वो जहाँ से आपको कट कट की आवाज़ आती है, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, वो गैप फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। अक्सर छोटे बच्चों में, जो 1 या 2 साल तक के बच्चे होते हैं, उन्हीं में ये आवाज़ आती है, ठीक है। जैसे आपने बच्चे को उठाया, बच्चे को आप मसाज कर रहे हैं, बच्चों के आप लेग्स की मसाज कर रहे हैं, तो आपको ये साउंड सुनाई दे सकती है। तो ये एक प्रकार से ऐसी कोई इसमें मीन्स आपको घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की वाली बात नहीं है कि ये मेरे बच्चे के पैरों से क्यों आ रही है। हर बच्चे से थोड़ी बहुत ये सबको सुनाई देती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन ये ग्रोथ के साथ ठीक हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, जो गैप होते हैं एक तरीके से आप समझ सकते हैं एयर गैप होते हैं, जो कि फिल हो जाते हैं बाद में, और ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात ये नहीं है। हर बच्चे में थोड़े बहुत ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन आपका बच्चा 3 साल से ऊपर का हो गया, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे के बोन से अभी भी चट चट की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, तो हो सकता है बच्चे में कैल्शियम की कमी हो, जो गैप है वो फिल नहीं हो पा रहे हो, बच्चों की हड्डियों में मजबूती नहीं आ रही है अभी भी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, 2-3 सोर्स होती हैं, एक तो धूप, विटामिन डी, कैल्शियम, माँ का दूध, और अच्छे से बच्चे की मसाज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो बच्चों में फिर ये दिक्कत नहीं रहेगी। उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जब आपका छोटा बच्चा है तो आप उसे 11-12 बजे तक धूप में बिठा कर, यानी जो 10 से 11 का टाइम होता है, उस टाइम आप अपने बच्चे की मसाज कर लीजिए। अच्छी धूप होती है, बच्चा सहन भी कर पाएगा, ठीक है। तो उस धूप में अपने बच्चे की अच्छे से मसाज करिए, ठीक है। अच्छे से आप मसाज करोगे तो बच्चे को क्या मिलेगी, जो धूप है वो मिलेगी, बच्चों की हड्डियों में मजबूती आएगी और विटामिन डी बच्चे को डायरेक्ट मिलेगी, ठीक है। दूसरा, अपना दूध जितना हो सकता है अपना दूध पिलाइए, 2 साल तक तो आप पिला सकते हैं। अपने बच्चे को अपनी फीड कराइए, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर फीड आता है तो अपने बच्चे को अपनी ही फीड कराइए, और ऊपर का दूध भी आप ले सकती हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी ना होने दें, साथ ही साथ आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकती हैं। डॉक्टर से आप बात करिए, अपने बच्चे के लिए कैल्शियम की जो गोली आती है, कैल्शियम विटामिन की, वो जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वही टैबलेट्स आप अपने बच्चे को दे सकती हैं, ठीक है। सिरप आप दे सकती हैं, जो भी जिस फॉर्म में भी आप देना चाहें, डॉक्टर से एडवाइस लेके कैल्शियम की सिरप या सप्लीमेंट आप बच्चे को दे सकती हैं, ठीक है।
मसाज बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड हैंड नहीं यूज़ करने, सॉफ्ट हैंड से आप अपने बच्चे की मसाज करते रहें, बच्चे की एक्सरसाइज करवाएं। जितनी अच्छे से आप एक्सरसाइज कराओगे बच्चे की मसल्स स्ट्रांग होंगी, बच्चे की अगर मसाज करोगे उससे मसल्स अच्छी होती हैं, बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। घी से मसाज करें, अगर आपके घर में देसी घी है तो देसी घी से मसाज करें। सरसों का तेल है, अच्छा रहता है, अच्छी क्वालिटी का है, तो उसे अच्छे से गर्म करके उसमें अजवाइन या लहसुन डालकर उस तेल से आप अपने बच्चे की मसाज करें। कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे ऑयल अच्छे होते हैं, इनसे आप अपने बच्चे की मसाज करोगे तो जल्दी ही बच्चे की जो फीलिंग है वो हो जाएगी। बच्चे की चट चट की या कट कट की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, जो पॉप साउंड होती है वो बिल्कुल आपको नहीं सुनाई देगी। और जो आपको लग रहा है कि बच्चे की हड्डी कहीं चटक ना जाए या टूट ना जाए या चट चट की आवाज़ आ रही, ये सारी प्रॉब्लम फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो नेचुरल तरीका है कि उसको ऐसे ही छोड़ दें, समय रहते रहते बच्चा खाएगा पिएगा खेलेगा कूदेगा एक्टिविटी करेगा तो सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स हैं हम, माँ हैं, और हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है तो इस तरह से ये क्वेश्चंस निकलते कि मेरे बच्चे से ही क्यों आ रही है या सबके बच्चों के पैरों से आती है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं, ठीक है। मसाज रेगुलर करें। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं एक साल तक तो अच्छी तरह से मसाज करवा लेती हैं, लेकिन वो जैसे ही बड़े हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, वो एक जगह स्टेबल नहीं रहते, ऐसे मसाज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप पूरी बॉडी की नहीं कर सकते, तो उनकी लेग्स की मसाज और हाथों की मसाज टाइम निकाल कर आप करें, तो उससे क्या होगा कि बच्चे की दोनों ही चीज़ें मजबूत होंगी, ठीक है। और दूध बच्चे को ऊपर का भी पिलाएं, अपना भी पिलाएं, कैल्शियम सप्लीमेंट है, नेचुरल जो प्रोवाइडर होते हैं दही है, दूध है, मट्ठा है, ये सारी चीज़ें अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाना स्टार्ट करें, ठीक है, तो फिर कोई ऐसा इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और आपके जो क्वेश्चन हैं और जो भी क्वेरी है तो मैंने सारे उसको क्लियर कर दिया है, तो परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो माय डियर पेरेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।